नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि पथ न्यूज़। इस वक्त हम उकलाणा के एक बेहतरीन स्कूल पाठशाला स्कूल में मौजूद हैं। आज पाठशाला में पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में फीडबैक लेंगे और स्कूल के बारे में फीडबैक देंगे। आइए स्कूल के अंदर चलते हैं, जान लेते हैं कि आज की पीटीएम में क्या अभिभावकों का कहना है और किस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ यहाँ से हमें मिल रही हैं। आइए सर, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है पाठशाला? ये थर्ड में पढ़ रहा है। पैसों से पहले तो आपको और आपके पूरे मतलब दर्शकों को जी मेरी तरफ से राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या स्कूल का फीडबैक क्या देंगे? स्कूल बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। पहले दूसरे स्कूल में था, उससे बेहतर यहाँ रिजल्ट मिल रहे हैं हमारे को। बच्चा हमारा यहाँ थर्ड पोजिशन में आया है, स्पोर्ट्स के हिसाब से या दूसरी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उनके हिसाब से बहुत बढ़िया प्रोग्राम करवा रहे थे। तो स्कूल मैनेजमेंट और डायरेक्टर को, अब यहाँ का स्टाफ है, उसको 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? उनको 10 में से हम तो 10 नंबर ही दे रहे हैं जी। हमारा बच्चा सही चल रहा है, बहुत बढ़िया एक्टिविटी कर रहे हैं, 10 में से 10 ही नंबर। फुल बटा फुल है जी। बड़ा पूरा स्टाफ और जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी है, बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई करवा रहे हैं जी। चलिए, और अभिभावक जो पाठशाला स्कूल में पहुंचे हैं, क्योंकि आज पाठशाला की पीटीएम है और पीटीएम में अभिभावकों का फीडबैक लेते हैं कि उनका स्कूल स्टाफ और जो एजुकेशन सोसाइटी है उसके बारे में क्या कुछ कहना है। चलिए पाठशाला की पीटीएम में और अभिभावकों से। सर कौन से गांव से? गांव जाजनवाला से। जाजनवाला से क्या लग रहा है स्कूल के बारे में, क्या फीडबैक है? वंडरफुल एटमोसफेयर एजुकेशन को लेकर, बहुत बढ़िया। मैनी स्टेप्स फॉरवर्ड इन एजुकेशन, आई लाइक इट एंड वंडरफुल एजुकेशन। जो अन्य स्कूल हैं उसकी तुलना में आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूलों से तुलना नहीं की जा सकती, ना तुलना करनी चाहिए। सबका अपना स्टैंडर्ड है, सबका अपना लेवल है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो आपका बच्चा कौन सी क्लास में? मेरी गुड़िया है 5th क्लास में, मेरी एक छोटी बिटिया है वो है नर्सरी क्लास। तो उनकी एजुकेशन में आपको कितना इम्प्रूवमेंट नजर आया? इम्प्रूवमेंट स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अपने बच्चे को टाइम देते हो तो, और स्कूल अच्छा है, तो दोनों चीज़ें अच्छी चलती है, फिर बच्चा इंप्रूव करता है। तो मानते हैं कि इलाके में एक जिस तरह बेहतरीन स्कूल की ज़रूरत थी, उन ज़रूरतों को पूरा कर रहा है पाठशाला? हाँ बिल्कुल, कहा जा सकता है। शिक्षा के साथ साथ खेल, संस्कृति और मॉरल एजुकेशन मच बेटर। चलिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभिभावक अपना फीडबैक यहाँ पर दे रहे हैं और उनको स्कूल की कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और क्या उनके सुझाव हैं, चलिए पीटीएम के बारे में और लोगों से पूछ लेते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? मैं धनौदा सिटी से, धनौदा कला। तो कैसा लगा आपको स्कूल, कैसे यहाँ का एनवायरनमेंट, बच्चों की पढ़ाई कैसा? बिल्कुल एवरीथिंग इज़ गुड। मैं पहले लास्ट टू लास्ट ईयर गुड़गांव था मेरा बच्चा, तो उससे पहले भी स्टार्टिंग में यहीं से था, बीच में एक साल गुड़गांव था, तो उसके बाद भी कंटिन्यू यहीं पे। अभी 2-3 बच्चों का और एडमिशन करवाया, तो एवरीथिंग इज़ गुड। स्कूल एंड एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्सशिप एंड मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस, कैब सर्विसेज, एवरीथिंग इज़ गुड। तो आपको क्या लगता है जो इलाके में एक बेहतरीन स्कूल की आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है पाठशाला? हाँ एग्जैक्टली, जो चाहिए था एक्चुअली। अगर मैं गुड़गांव के मुकाबले कंपैरिजन करूं तो सब चीज़ें मतलब कि एक लेवल पे बनाई है इन्होंने। मेंटेनेंस और मैनेजमेंट जो है वो सारी बैक टू बैक, मतलब पेरेंट्स से भी फॉलोअप रखते हैं कि अगर कहीं भी कुछ भी मिस होता है, बच्चा कुछ कॉपी कंप्लीट नहीं करता, तो हर एक चीज़ भी अप टू डेट रहती है स्कूल की साइड से। कहा जा सकता है कि भाई शहरों की जो एजुकेशन है या जो स्टैंडर्ड है वो आज गाँव के स्कूलों में भी मिल रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रहा है। तो नियर बाई अगर बात की जाए तो पाठशाला स्कूल ऑन टॉप है, और आने वाले टाइम में भी मेरे को यकीन है ये ऑन द एरिया का सबसे बेहतरीन स्कूल होने वाला है। एरिया का बेहतरीन स्कूल होगा, इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही जा रही है। कौन से गांव से हैं? मैं कनौज से। कनौज से। कौन सी क्लास में आपको? 1-6 में, 1-3 में। अच्छा, कैसा चल रहे हैं बच्चों की पढ़ाई, कैसी है स्कूल, कैसा लगा? सर मैं अगर पर्सनली बोलूँ अपने इधर से कि पाठशाला एक नाम ही लग है। पाठशाला मीनिंग शायद मेरे ख्याल से किसी को पता भी नहीं होगा, वो नाम है और वो काम है। जो यहाँ का स्टाफ है जिसने इसको खड़ा किया, इस संस्था को, उनकी जो सोच है वो सोच बहुत दूर की है, जो सोच चली गई है। इस एरिया में अगर मैं देखूं आज की डेट में जो अपडेटेड वर्जन है स्कूल का, शायद नहीं होगा पाठशाला के जैसा। और मैं मतलब अपने पर्सनली फील करता हूँ अपने बच्चे को लेकर के कि जो उनको मिलना चाहिए इन्वायरमेंट वो मिल रहा है। और इस हब में उकलाणा का जो एक हब, मैं अपनी सोच मानता हूँ उकलाणा एक स्टडी का हब है 12th क्लास तक का, ना कि हिसार, कोई नहीं है उकलाणा जैसा हब है नहीं। उस हब के अंदर एक जगह है पाठशाला, और
इतना अच्छा इन्वायरमेंट और जो सोच उन्होंने रखी है, जो सोच को ग्राउंड में उतारना एक अलग चीज़ होता है, मुंह से बोलना अलग चीज़ है और ग्राउंड में लेके आना वो एक अलग चीज़ है। वो ग्राउंड में उतारते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं उसको, उसका रिजल्ट आज मैं अपने बच्चों के लिए आया था यहाँ पे मेरिट्स मीटिंग में, तो उसमें मैंने देखा है। और सर को जो मैंने अभी सर ने कुछ मेरे को बताया आगे का जो प्लान है उसको सोच के भी मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि इस छोटे से कस्बे के अंदर इतनी अच्छी सोच के टीचर डायरेक्टर्स और जो टीचिंग स्टाफ है उसके तो मैं समझ नहीं है कि क्या बोल पाऊँ। दसवें से कितने नंबर देंगे आप? सर मैं दसवें से नंबर दूंगा ही नहीं इनको कोई, क्योंकि नंबर वहाँ दिए जाते हैं जहाँ पे कंपटीशन हो, तो पाठशाला के लिए कंपटीशन है नहीं, एक्चुअल में कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ के कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर जो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उनकी सोच यही रहे थैंक यू और ऐसे ही बढ़ता रहे। और अभिभावक हैं आप, बताएं कहाँ से हैं? मैं सूर्यवाला से हूँ। आपकी कौन पढ़ते हैं यहाँ पे? मेरी बहनें हैं। कौन सी क्लास? फिफ्थ में है, एक सिक्स में और एक UKG में है। कैसी उनकी पढ़ाई चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। मेन चीज़ क्या होती है, पढ़ाई के लिए एक जोन क्रिएट करना पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि अब छोटे भी हैं बड़े भी हैं, उनको मेन चीज़ चाहिए कि भी पढ़ने का इन्वायरमेंट चाहिए। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो दीवारों पे भी थॉट्स लिखे हुए हैं, बच्चों के लिए ड्राइंग बनाई हुई है, ताकि उनको ये ना लगे कि वो भी, पहले क्या होता था जैसे टीचर्स मार देते थे तो बच्चे डरते थे जाने के लिए, अब बच्चे घर रहने के लिए होता है कि घर ना रहें स्कूल में चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर ऐसा जोन क्रिएट कर दिया टीचर्स ने कि वो जैसे फ्रेंड्स बन के रहते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको समझाते हैं, उनको याद करवाते हैं। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है जो मैंने देखा है। मैं पहले भी रेगुलर विजिट रहती हूँ, क्योंकि टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें कि उनकी स्टडी कैसी चल रही है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो रेगुलर विजिट मेरी यहाँ पे रहती है। तो मैंने एक चीज़ नोट किया कि टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मीन्स अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो हमें, अगर हम एक चीज़ पूछें तो हमें वो सारा कुछ समझा के भेजते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। तो पाठशाला की ओर से ये दावा किया जा रहा था कि वो शहरों जैसी एजुकेशन, शहरों जैसी सुविधाएं गांव के इस कस्बे में दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो दावा कितना सच? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि एक अगर हम कंपेयर करें शहर से और गांव के स्कूल से, तो पहले ये लगता था कि बच्चों को बोलना नहीं सिखाते, बच्चों को मैनर्स नहीं सिखाते, सिंसियरिटी नहीं सिखाते, बट ऐसा कुछ नहीं। अब सुबह सिखाया जाता है कि आप पेरेंट्स को नमस्ते करो, उनको अच्छे से ट्रीट करो, गुड मॉर्निंग विश करो, तो वो सारे मैनर्स जो पहले, और अब तो कॉम्पिटिशन है, मेरे को ये लगता है कि गाँव वाले बच्चे ज़्यादा आगे जा रहे हैं शहर वालों के मुकाबले। गाँव वाले बच्चों को ज़्यादा पता है कि कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, मैनर्स से लगा लो, टीचिंग से लगा लो, स्टडी से लगा लो, सारी चीजों में गांव के बच्चे ही आगे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। काजल, आप 10 में से कितने नंबर स्कूल को दे रहे हैं? वैसे नंबर्स तो मैं क्या ही दूं, लेकिन वैसे अगर आप कह रहे हो तो पूरे दे देते हैं। हाँ, पूरे देने के लायक भी है। चलिए, काजल से भी हमने बात की और इनके छोटे भाई बहन यहाँ पर पढ़ रहे थे और बहुत सारे अभिभावक यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उनको स्कूल का एनवायरनमेंट, एजुकेशन, यहाँ के चाहे बच्चों के संबंधित किसी भी प्रकार की सुविधाओं की बात हो वो कैसी लग रही है। पाठशाला की PTM में अभिभावकों के तौर पर बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, आप भी आए हैं, आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कैसा आपको माहौल लगा, स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं सजन मास्टर लेतानी से हूँ। आज PTM के इस मौके पे मैं यहाँ पहुँचा और जब मैंने यहाँ पे बच्चों को स्टार्टिंग में एडमिशन दिलाया तो एक सोच थी कि बच्चों को स्टडी से पहले एक बढ़िया एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, और आसपास के ग्रामीण एरिया को देखते हुए, इवन उकलाना भी ग्रामीण एरिया ही है, इस तरह की डेवलपमेंट की बात नहीं है, एक एनवायरनमेंट की मेरे को तलाश थी, बच्चों का एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, लर्निंग का हो, लर्निंग बाय डूइंग का हो। तो इस तरह का एनवायरनमेंट मुझे यहाँ आके जो पाठशाला में मिला वो मेरी एक सर्च, एक तलाश पूरी हुई और बच्चों को यहाँ एडमिशन करा लेने के बाद मैं एक तरह से निश्चिंत हुआ। सर, यहाँ के मैनेजमेंट की बात की जाए, नवीन सर या और जो सर उनके मैनेजमेंट के साथी हैं, उनका ये कहना है कि वो रटी रटाई जो एजुकेशन होती है उससे कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, आपको कितना यहाँ पर उनका प्रयास सफल होता हुआ नज़र आया? इस बात से मैं 100% सहमत हूँ, एग्री करता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए टीचर और मैं RPS हांसी के अंदर टीचिंग करता हूँ, साइंस ही टीचिंग करता हूँ। तो एक बच्चा लर्न करने से पहले सीख ले, इसको लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस बोलते हैं, और फिफ्थ क्लास तक के बच्चों की बात करें तो वो प्ले वे मैथड से या बाय इन्वॉल्विंग एक्टिव मैथड से सीखें। तो इस तरह का एक बेटर इन्वायरमेंट यहाँ के मैनेजमेंट ने दिया है और इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं राजेश नैन जी,
वो बधाई के पात्र हैं बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का एनवायरनमेंट, इसी तरह का एक हेल्दी एटमॉस्फेयर यहाँ एजुकेशन का चले और आसपास की जो ग्रामीण आबादी है वो एजुकेशन के प्रति इंटरेस्टेड भी हो, अवेयर भी हो और उनको ये समझ भी लेना चाहिए कि एजुकेशन का कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं और एजुकेशन मिलेगी अच्छे इंस्टीट्यूशन से। और आज के दौर में उकलाना के अंदर कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो अगर हम हरियाणा लेवल की बात करेंगे तो RPS का एक अच्छा नाम है, लेकिन अगर उकलाना के अंदर और हिसार डिस्ट्रिक्ट के बरवाड़ा के टोहाना की बात करेंगे तो पाठशाला एक उभरता हुआ सितारा है। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह का टीचिंग स्टाफ है, जिस तरह का हेल्पिंग स्टाफ यहाँ रहता है, जिस तरह का मतलब लैब में इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर, जिस तरह से बच्चों को लैब की एक्टिविटी कराई गई है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराए गए हैं, इवन SST के अंदर ग्लोब के मॉडल्स हैं, अलग अलग टाइप्स के मैप्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जो नॉलेज दी है टीचर्स ने, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। सो आई होप कि ये मोमेंटम लगातार चले। और एज ए पेरेंट, अभिभावक के तौर पर अभी मैं यहाँ हूँ, टीचर के तौर पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो हम मैनेजमेंट, प्रिंसिपल राजेश नैन जी और जो यहाँ पे स्टाफ है, सुपोज जयवीर नैन है, इंग्लिश टीचर हैं, बड़े अच्छे हैं, साइंस टीचर हैं, वो यही मोमेंटम लेके चले और हमसे भी जो अपनी तरफ से कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी हम भी यहाँ 100% देने के लिए रेडी रहें। जी, हमने बहुत सारे अभिभावकों से बात की, सबका यही कहना है कि जो पाठशाला स्कूल है वो जिस प्रकार के दावे कर रहा है उन दावों में पूरी सच्चाई है। पाठशाला की टीम के बारे में, सबसे पहले तो अनूप कुंडू जी, आपका स्वागत है पाठशाला परिवार में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज स्कूल में PTM का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पिछले 6 महीनों का हम फीडबैक पेरेंट्स के माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। बच्चे ने कितना अचीव किया है उन सब पर आज टीचर डिस्कस कर रहे हैं। बढ़ चढ़ करके भाग लेने के लिए मैं सभी पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और बच्चे का ग्रोथ हो इस ऐसी मैं आशा करता हूँ। सर, जो सुझाव या शिकायतें अभिभावकों की ओर से आ रही हैं उन पर किस प्रकार काम करें? अनूप कुंडू जी, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने का काम करूँगा। जैसे एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, तो 3 वर्टेक्स एक स्टूडेंट की लाइफ में भी होते हैं। एक वर्टेक्स पे यदि हम टीचर को खड़ा कर दें, एक पे स्टूडेंट को और एक पे पेरेंट्स को, यदि वो नहीं मिलेंगे आपस में, यदि उनके बीच गैप होगा तो बच्चा कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरी है समय समय पर हम PTM का आयोजन करते हैं, हर 2 मंथ के बाद हम पेरेंट्स को बुलाने का काम करते हैं, क्या बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, उन सब पर डिस्कस करके उनको दूर करने का काम करते हैं। तो किस प्रकार के सुझाव सामने आए हैं? लगभग मेरे पास पेरेंट्स मिलके जा रही हैं और सभी पेरेंट्स का यही व्यू है कि बहुत अच्छा हमारा बच्चा यहाँ पर चल रहा है। और मैं भी पेरेंट्स को जब एडमिशन टाइम था तो मैंने विश्वास दिलाया था कि मैं अकेडमिक में आपके बच्चे को नीचे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व रहता हूँ, हर मंथ हर क्लास को, हर सब्जेक्ट को चेक करने का काम करता हूँ, मंथली रिपोर्ट मैं खुद पेरेंट्स को देने का काम करता हूँ, बच्चे का एक शेड्यूल घर का वो भी बनाने का हम काम करते हैं ताकि बच्चा जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे हैं और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चे हाई लेवल पे पहुँचे। पाठशाला का एक उद्देश्य था बेहतर से बेहतरीन, तो कहाँ तक सक्सेस माना? बहुत ही, आप देखिए हमारा पिछला सारा रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, सब चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट करें, या साइंस लैब की बात करें या हमारा कंप्यूटर लैब की है, हर वो चीज़ हम देने का काम कर रहे हैं। और निकट भविष्य में, मैं ये तो नहीं कहूँगा इसी सेशन में हम वो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन नेक्स्ट जो सेशन है हम और भी बच्चे के लिए बहुत सी फैसिलिटी लेकर के आने का काम कर रहे हैं। एकेडमिक के साथ साथ हर इवेंट में हमारा बच्चा आगे बढ़े, ऐसी मेरी इच्छा है और मैं इसको करने का पूरा 100% प्रयास करूँगा। सर, आज PTM मीटिंग थी, उसके बारे में हमने अध्यापकों से बात की, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि पाठशाला का भविष्य का प्लान है। भविष्य का प्लान, सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ। जैसे अभी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज वगैरह बनाई है उनके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया है, जैसे स्कूल में 12th क्लास तक हमने जो प्राइमरी के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए जैसे एक हैप्पीनेस करिकुलम होता है, उसके अंदर बच्चों को स्ट्रेस रिडक्शन कैसे करी जाए, बच्चों की स्ट्रेस कैसे कम करी, जैसे बच्चा स्कूल में आता है तो स्ट्रेस फ्री होके आए। और हैप्पीनेस करिकुलम का एक फ़ायदा ये है
कि एनर्जी लेवल बना रहता है, जैसे हम खुश होते तो एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। एक तो हैप्पीनेस सर्कलम का हमारा रहेगा प्राइमरी के लिए, और जैसे 6 to 10th है या 6 to 8th क्लास तक अगर मैं बोलूँ तो उसमें मैथमेटिकल एक्टिविटी हम ऐड कर रहे हैं। मैथमेटिकल एक्टिविटी ऐड करने से होगा क्या, जैसे कुछ भी चीज़ है उसको याद करना ईजी हो जाता है, मेमोरी अच्छी हो जाती है, मेजरमेंट अच्छी हो जाती है मैथमेटिकल एक्टिविटीज। और इसके अलावा जैसे हम क्विज कंपटीशन ऐड कर रहे हैं, क्विज कंपटीशन से क्या होता है तो बच्चे की जो स्पीड है वो अच्छी हो जाती है, मेमोरी रिटेंशन अच्छी हो जाती है, कंसंट्रेशन बढ़िया हो जाएगी। तो ये क्विज कंपटीशन के थ्रू बच्चों में ये टैलेंट इंक्रीज करने का काम करेंगे, टैलेंट डालने का काम करेंगे। इसके अलावा जैसे जो 9th to 12th के बच्चे हैं उनके लिए क्लास लेवल सेमिनार प्रेजेंटेशन, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, ताकि वो जब भी 12th के बाद किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाए तो उसको प्रॉब्लम ना आए, तो 12th लेवल तक के बच्चों का अपना ये प्लान है। इसके अलावा जैसे हमने पहले भी पेरेंट्स से वादा किया था कि हम अच्छी लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें हम अब सक्सेस हो चुके हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे लेवल का हो चुका है। जैसे लैब देखें हम प्रॉपर वर्किंग में मिलेगी, साइंस लैब प्रॉपर वर्किंग में है, डेली उसके अंदर बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा अब थोड़ा नया इनोवेशन लेके आने का है, उसमें हम रोबोटिक इनोवेशन हम उसमें डाल रहे हैं, ताकि बच्चों को कोडिंग वगैरह सिखाई जाए, क्योंकि इन फ्यूचर आप देख रहे हो जैसे टेक्निकल चीज़ों का ज़्यादा क्रेज है और फ्यूचर भी शायद टेक्नोलॉजी के साथ ही है, तो हमने उसमें रोबोटिक इनोवेशन डालने का काम किया है। एक्सपेरिमेंटल वर्क ज़्यादा करवाएंगे। एक्सपेरिमेंटल वर्क से क्या होता, ऑब्जर्वेशन जो है ना, ऑब्जर्वेशन बच्चे की वो डेवलप होती है और कैलकुलेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो इम्प्रूव होते हैं। तो हमारा ये प्लान है। और कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम जैसे स्पोर्ट्स के अच्छे ग्राउंड तैयार करने जा रहे हैं, ये हम नेक्स्ट जो पेटीएम होगी उस तक जो मैंने अभी ये बातें बोली हैं इनमें कुछ टीचिंग मेथड भी हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, नेक्स्ट पेटीएम तक हम ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को बच्चों को प्रोवाइड करवा दें। थैंक यू। पाठशाला यूनिवर्सल स्कूल में पेटीएम आयोजित की गई। इस पेटीएम में अभिभावकों ने अपने अपने विचार रखे। हमने अभिभावकों से बातचीत की कि किस प्रकार से वो स्कूल को यहाँ पर कौन सा स्थान देते हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या फिर एनवायरनमेंट की बात हो। अभिभावकों ने अपने विचार रखे। उसके साथ साथ सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ के प्रिंसिपल राजेश नैन और डायरेक्टर नवीन पात्र से हमने बात की। उन्होंने भविष्य का प्लान बताया कि पाठशाला स्कूल का भविष्य का प्लान क्या है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पाठशाला बेहतर से बेहतरीन करना चाहता है तो उसके लिए वचनबद्ध है, और अभिभावकों ने भी यही बात दोहराई कि पाठशाला जो स्कूल है वो इस इलाके का सबसे अच्छा और बेहतर स्कूल है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, रविपत, उकलाना।